दोस्तों सब्सक्राइब करें थंडर वर्ल्ड चैनल को और इस घंटे को दबाकर हमारी वीडियो सबसे पहले देखें। एक कॉलोनी में एक पार्टी का आयोजन हुआ जिसमें कॉलोनी के सभी शादीशुदा जोड़ों को बुलाया गया। शाम का समय था। सभी लोग अपने ऑफिस से आने के बाद तैयार होकर सीधे पार्टी में पहुंचे। सभी एक दूसरे से मिले, शाम का खाना भी वहीं खाया। फिर एक बुजुर्ग व्यक्ति पार्टी में आए और उन्होंने कहा कि आज हमने ये पार्टी रखी है, सारा दिन ऐसे ही ऑफिस में चक्कर लगा लगा के निकल जाता है, चलिए आज हम सभी एक गेम खेलते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति ने एक व्हाइट बोर्ड मंगाया और पार्टी में से एक महिला को चुना। अब उस महिला से कहा कि इस बोर्ड पर 20 नाम लिखें जिनसे तुमको प्यार है। उस महिला ने अपने माता पिता, पति, बच्चा, सगे संबंधियों और पड़ोसियों के नाम भी लिख दिए। अब वो बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, चलो अब इनमें से ऐसे 6 नाम मिटा दो जो तुम्हें कम पसंद हो और जिनके बिना तुम आसानी से रह सकती हो। महिला थोड़ी संकुचाई, लेकिन फिर जब बुजुर्ग ने जोर दिया तो लड़की ने अपने पड़ोसियों के नाम मिटा दिए। सारे लोग बड़े ही गौर से ये सब देख रहे थे और बुजुर्ग ने महिला से कहा कि चलो इसमें से 10 नाम और मिटा दो जिनको तुम कम प्यार करती हो। महिला ने फिर अपने सगे संबंधियों के नाम मिटा दिए। अब बोर्ड पर केवल 4 नाम बचे हुए थे, माँ, पिता, पति और बच्चा। सारे लोग दिल थाम के बैठे हुए थे कि सहसा की बुजुर्ग ने फिर विनती की कि बेटी इनमें से 2 नाम और मिटा दो। अब वो महिला बड़े ही दुविधा में फंस गई। गेम तो वो महिला खेल रही थी लेकिन वहां उपस्थित सभी लोगों की सांसें मानो अटकी हुई थी। बहुत जोर देने पर महिला ने रोते हुए अपने मां बाप के नाम बोर्ड से मिटा दिए। बोर्ड पर केवल 2 नाम थे, पति और बच्चा। अब बुजुर्ग ने फिर कहा, शाबाश बेटी, चलो अब इसमें से 1 नाम और मिटा दो। वो महिला बड़े असमंजस में फंस गई लेकिन फिर बुजुर्ग ने हौसला दिया, यह सिर्फ एक गेम है, तुम एक और नाम मिटाओ। महिला आगे बढ़ी और उसने अपने बच्चे का नाम मिटा दिया। अब बोर्ड पर केवल उसके पति का नाम था और बुजुर्ग ने उस महिला को वापस अपने सीट पर बैठने को बोल दिया। और अब वहां बैठे सभी लोगों से बुजुर्ग ने सवाल किया कि ऐसा क्या हुआ कि केवल पति का नाम ही इस बोर्ड पर रह गया, लेकिन किसी से कोई भी जवाब नहीं आया। बुजुर्ग ने वापस उस महिला को बुलाया और पूछा कि आपने अपने पति का नाम ही क्यों बोर्ड पर छोड़ा, आपके माता पिता ने आपको जन्म दिया है, आपने उनका भी नाम मिटा दिया और जिस बच्चे को आपने अपनी कोख से जन्म दिया है उसका नाम भी आपने मिटा दिया, ऐसा क्यों? महिला बोली, सर मैं अपने माता पिता से भी प्यार करती हूँ लेकिन मेरे माता पिता बूढ़े हो चुके हैं और वो जल्द ही मुझे छोड़कर चले जाएंगे। मैं अपने बेटे से भी प्यार करती हूँ लेकिन ना जाने बड़े होकर वो मेरा साथ देगा या नहीं, लेकिन मेरा पति जब तक मेरे साथ है तब तक मेरे प्राणों में प्राण है, मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ, वो मेरा आधा शरीर बनकर मेरा साथ देंगे और जीवन भर मेरा हर सुख दुख में साथ देंगे, इसलिए मुझे मेरे पति सबसे अधिक प्रिय हैं। पति और पत्नी एक दूसरे का आधा शरीर होते हैं और एक दूसरे के बिना जीवन बहुत दुष्कर है, इसलिए सभी पति पत्नियों को चाहिए कि एक दूसरे के प्रेम की इज्जत करें और सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाएं, तभी विवाह का असली अर्थ होता है।